हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, वापस हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई बुक की ऑडियो समरी, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हो। मेरा मतलब, आप अपने कानों में अपने ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स को लगा लीजिए और इसे आपके रूटीन के काम करते हुए, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो या फिर वर्किंग वुमन हो, और अगर आप एक सचिन ठाकुर की तरह, जो हमारे इस YouTube चैनल के ओनर है, उनकी तरह आप आलसी हो, तो आप इसे आराम करते हुए या सोते हुए भी सुन सकते हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते सभी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट बर्टन जी मालकील की एक विस्तृत सारांश के साथ निवेश की दुनिया में रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं। यह पुस्तक निवेश विश्व में एक गेम चेंजर रही है, तो तैयार हो जाओ कुछ नए नए दृष्टिकोणों के लिए। प्रभावी बाजार सिद्धांत की खोज। मालकील की पुस्तक एमएच इफिशियंट मार्केट हाइपोथीसिस की अवधारणा से शुरुआत करती है। इसमें यह सिद्धांत बताता है कि वित्तीय बाजारों में सभी उपलब्ध जानकारी प्रतिबिंबित होती है, जिससे निरंतर बाजार को आउट परफॉर्म करना असंभव हो जाता है। मालकील बाजार को रैंडम वॉक के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें स्टॉक कीमतें अनियमित और अप्रत्याशित ढंग से चलती हैं, जिससे बाजार को स्टॉक चुनने या बाजार के समयिकता के माध्यम से पार करना चुनौतीपूर्ण होता है। विभिन्न निवेश रणनीतियों की समझ। पुस्तक विभिन्न निवेश रणनीतियों को अन्वेषित करती है, फंडामेंटल एनालिसिस से लेकर तकनीकी एनालिसिस और बाजार के समयिकता के प्रयासों तक। मालकील इन रणनीतियों के प्रोस और कॉन्स को अन्वेषित करते हैं, जिनके माध्यम से बाजार को निरंतर आउट परफॉर्म करने की क्षमता को बाजार मूल्य निर्धारण की दक्षता के कारण हाईलाइट किया जाता है। निवेश में व्यावहारिक प्रतिबंधों की भूमिका। मालकील निवेश में प्रभाव डालने वाले व्यावहारिक प्रतिबंधों, जैसे अधिश्वास, हर्डिंग व्यवहार और भावनात्मक निर्णय लेने की बात करते हैं। उनका जोर है कि ये प्रतिबंध अव्यवस्थित निवेश विकल्पों को ले जा सकते हैं और अंततः पैसिव दीर्घकालिक निवेश प्रणाली की तुलना में अधोगति कर सकते हैं। इंडेक्सिंग और पैसिव निवेश के फायदे। मालकील का एक मुख्य विषय है इंडेक्स फंड के माध्यम से पैसिव निवेश। उनका कहना है कि बाजार को पार करने की जगह निवेशक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के माध्यम से बाजार को ट्रैक करके मजबूत रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण विविधता, कम शुल्क और बिना व्यक्तिगत स्टॉक्स चुने के तनाव के साथ बाजार रिटर्न्स का पोटेंशियल प्रदान करता है। पोर्टफोलियो विविधीकरण और रिस्क प्रबंधन। विविधीकरण एक और मुख्य पहलू है जिसे मालकील जोर देते हैं। विभिन्न एसेट क्लासेस, उद्योग और क्षेत्रों में निवेश करके निवेशक बिना संभावित रिटर्न्स को कम किए बिना रिस्क प्रबंधित कर सकते हैं। मालकील के इंसाइट्स नीचे रिस्क को कैसे नियंत्रित करना चाहिए बिना पोटेंशियल रिटर्न्स को कम किए हुए दिखाते हैं। लागतों और शुल्कों का निवेश, रिटर्न्स पर प्रभाव। पुस्तक में शुल्कों और लागतों के बड़े प्रभाव के बारे में बात होती है। मालकील कहते हैं कि फीस और व्यय को कम करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिखाई देने वाले छोटे प्रतिशत भी समय के साथ निवेश लाभों को बहुतायत में कटौती कर सकते हैं। निवेश सिद्धांतों का वास्तविक दुनिया में लागू होना। मालकील वास्तविक जीवन के उदाहरणों और केस स्टडीज शामिल करते हैं, जहां दिखाते हैं कि ये निवेश सिद्धांत विभिन्न बाजारी स्थितियों में कैसे लागू होते हैं। उन्होंने विस्तारित किया कि पैसिव निवेश और विविधीकरण के सिद्धांतों पर आधारित अनुशासित दीर्घकालिक दृष्टिकोण किस प्रकार से स्थायी रिटर्न्स की दिशा में ले जा सकता है। समापन और टेकवे। समझो, ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट पारंपरिक निवेश समझ को चुनौती देती है और एक पैसिव इंडेक्स आधारित दृष्टिकोण के लिए एक कंपेलिंग तर्क प्रदान करती है। यह एक मस्ट रीड है जो कोई भी ठोस निवेश रणनीति बनाना चाहता है तथ्यात्मक सिद्धांतों पर अनुमानितता की बजाय। समाप्ति संदेश और कॉल टू एक्शन। तो यह था, क्या आपने ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट पढ़ी है? आपके क्या विचार हैं? अपने दृष्टिकोण और अनुभव को टिप्पणियों में साझा करें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो उसे एक थम्स अप जरूर दें और मोहरी बटन को दबाएं और रोचक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक हैप्पी निवेश। मालकील ने मॉडर्न पोर्टफोलियो सिद्धांत, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी MPT पर गहराई से चर्चा की है, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के सिद्धांतों पर पोर्टफोलियो बनाने की महत्ता को जोर दिया। उन्होंने बताया है कि अलग अलग रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल वाले एसेट्स को कैसे कंबाइन करके पोर्टफोलियो की प्रदर्शन क्षमता को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। मार्केट एफिशिएंसी और निवेश रणनीतियां। इफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस EMH के आधार पर मालकील एक्टिव निवेश रणनीतियों के प्रभाव पर जाते हैं। उन्होंने समझाया है कि मार्केट को बीट करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल हो सकता है,
जैसे कि स्टॉक पिकिंग या मार्केट टाइमिंग के माध्यम से अनियमित परिणाम और अधिक रिस्क ले जा सकता है। नई जानकारी और तकनीकी का प्रभाव। मालकील ने तकनीकी प्रगति और त्वरित जानकारी पहुंच के प्रभाव पर भी विचार किया है। उन्होंने चर्चा की है कि खबरों और जानकारी का त्वरित प्रसार निवेशकों को कैसे चुनौती देता है, ताकि वे अपनी रणनीतियों को फिर से मूल्यांकन करें और एक प्रतिस्पर्धी निवेश वातावरण में सहजता से अडैप्ट हो सकें। व्यवहार शास्त्र और निवेशकों का मानसिकता। मालकील ने निवेशक व्यवहार को समझने में व्यवहार शास्त्र की भूमिका को हाईलाइट किया है। उन्होंने हार्डिंग बिहेवियर, एंकरिंग और कन्फर्मेशन बायस जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों को जांचा है, जिनसे वह दिखाते हैं कि ये मानसिक बायसेस निवेश निर्णय लेने पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। निवेश वाहनों के विकास। निवेश वाहनों के विकास को बात करते हुए मालकील ने टॉपिक्स जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs को कवर किया है, जो इंडेक्स निवेश के सिद्धांतों के साथ समान रूप से होते हैं। उन्होंने इनके लाभों की जांच की है, जैसे कि कम शुल्क, विविधीकरण और ट्रेडिंग की आसानी, जो उनके पैसिव निवेश समर्थन में है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। मालकील ने ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन को महत्व दिया है, जो घरेलू बाजारों से अधिक निवेश करने की सिफारिश करते हैं। उन्होंने हाईलाइट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय पेपर्स को विविधित पोर्टफोलियो में शामिल करने के संभावनात्मक लाभ हैं, जिससे रिस्क को कम किया जा सकता है और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में अवसरों को पकड़ा जा सकता है। वित्तीय सलाहकारों और धार्मिक जिम्मेदारी की भूमिका। वित्तीय सलाहकारों के रोल पर छूट करते हुए मालकील ने धार्मिक जिम्मेदारी की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने विश्वासु योग्य सलाह और पारदर्शी शुल्क संरचनाओं के सिद्धांतों से मिलती जुलती योजनाएं के बेहतर हितों पर जोर दिया है। सस्ती और जिम्मेदार निवेश के लिए जागरूक करते हुए किताब इस विषय को गहराई से नहीं छूती है, लेकिन मालकील ने सस्ती और जिम्मेदार निवेश के उदय को स्वीकार किया है। उनके सूत्रधार प्राचीन सिद्धांत और दृष्टिकोण आज के गतिशील वित्तीय दृश्य में भी समर्थन योग्य हैं। निरंतर शिक्षा के लिए प्रेरणा। अंत में ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करती है, जो पारंपरिक निवेश सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को और भी अधिक जानें, किताब में डाइव करें और अपने विचार और अनुभव को कमेंट्स सेक्शन में साझा करें। मालकील ने बिहेवियरल फाइनेंस पर और गहराई से बात की है, जहां उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि साइकोलॉजिकल बायसेस कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर असर डालते हैं। उन्होंने इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड के इन्फ्लुएंस को एग्जामाइन किया है, जो अक्सर इन्वेस्टर्स को रैशनल डिसीजन मेकिंग से दूर ले जाते हैं और पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। मार्केट बबल्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर विस्तार से बात करते हुए मालकील ने डिस्कस किया है कि स्पेक्युलेटिव बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं और फैलते हैं। उन्होंने हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस जैसे .com बबल या हाउसिंग मार्केट बबल को हाईलाइट किया है, जो इरेशनल एक्सुबेरेंस और हर्ड बिहेवियर के डेंजर्स को इलस्ट्रेट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट टाइमिंग की क्रिटिक। मालकील ने टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट टाइमिंग स्ट्रेटजियों को क्रिटिकल तौर पर इवेल्युएट किया है। उन्होंने उनकी इफेक्टिवनेस को चैलेंज किया है, जैसे कि हिस्टोरिकल प्राइस पैटर्न्स पर स्टॉक मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश या मार्केट को टाइम करने की, और ये मेंशन किया है कि उनके सक्सेस को सपोर्ट करने वाले कंसिस्टेंट एविडेंस की कमी है। स्टॉक प्राइसेस पर असर डालने वाले फैक्टर्स में डूबे हुए मालकील ने डिस्कस किया है इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस और मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स का रोल। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इन वेरिएबल्स को प्रेडिक्ट करना और उनके इम्पैक्ट को इंडिविजुअल स्टॉक्स पर समझना कितना मुश्किल है। डिविडेंड्स और इफिशियंट मार्केट हिपोथेसिस का रोल। इफिशियंट मार्केट हिपोथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में डिविडेंड्स की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करते हुए मालकील ने डिविडेंड पॉलिसीज के इम्प्लिकेशंस को इन्वेस्टर्स के लिए डिस्कस किया है और यह देखा कि डिविडेंड फोकस्ड स्ट्रेटजीज मार्केट में क्या एडवांटेजेस ऑफर कर सकती हैं। चेंजिंग इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को मानते हुए मालकील ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और रोबो एडवाइजर्स के इम्पैक्ट को एग्जामाइन किया है। उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि ये एडवांसमेंट्स मार्केट डायनामिक्स और इन्वेस्टर बिहेवियर पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं। मालकील ने इकोनॉमिक थियरीज और पॉलिसी चेंजेस पर रिफ्लेक्शन किया है और उनके इम्प्लिकेशंस फॉर इन्वेस्टर्स पर। उन्होंने डिस्कस किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, फिस्कल पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं।
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की अडेप्टेबिलिटी, इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में मालकिल ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की अडेप्टेबिलिटी बदलते बाजारी स्थितियों के संदर्भ में मालकिल ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की अडेप्टेबिलिटी की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने तरीकों को पुनर्मूल्यांकन करें, अच्छे जानकार बने और अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करने में लचीले रहें। बुक की इन्वेस्टमेंट डिस्कोर्स में योगदान। बुक के योगदान को प्रतिबिंबित करते हुए मालकिल की ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट डिस्कोर्स को आकार दे रही है। इसकी इनसाइट्स इन्वेस्टर्स को बाजार की शोरगुल और पूर्वानुमान के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। समझदार इन्वेस्टिंग और निरंतर सीखने के लिए प्रेरणा। आखिरकार ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट वह बहुमूल्य मार्गदर्शक है जो फाइनेंशियल मार्केट की जटिलताओं में नेविगेट कर रहे इन्वेस्टर्स के लिए। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप इस बुक में डेल्व करें, उसके प्रिंसिपल्स को थॉटफुल तरीके से अप्लाई करें और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में लर्निंग को कभी भी स्टॉप ना करें। मालकिल ने वॉलेटाइल मार्केट्स में इन्वेस्टर बिहेवियर को और गहराई से एक्सप्लोर किया है, जहां उन्होंने एम्फसाइज किया है कि भावनाओं का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर काफी असर हो सकता है। उन्होंने बताया है कि मार्केट के डाउनटर्न्स में फियर या बुल मार्केट्स में यूफोरिया व्यक्तियों को इम्पल्सिव और नुकसानदेह डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर असर डालने वाले साइकोलॉजिकल बायसेस पर विस्तार से जाते हुए मालकिल ने स्पेसिफिक कॉग्निटिव एरर्स जैसे कॉन्फर्मेशन बायस और हाइंडसाइट बायस को डिस्कस किया है, जो जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं। उन्होंने हाईलाइट किया है कि ये बायसेस सिलेक्टिव परसेप्शन और मार्केट मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की अपनी क्षमता को ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। मार्केट फोरकास्टिंग पर क्रिटिकल स्टैंस लेते हुए मालकिल ने कहा है कि शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करना क्रिस्टल बॉल गेजिंग के बराबर है। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की अनप्रेडिक्टेबल नेचर पर फोकस करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक पिकिंग और एक्टिव मैनेजमेंट की मिथ को डीबंक करना। मार्केट टाइमिंग की इन्फिशेंसी पर बिल्ड करते हुए मालकिल ने कंसिस्टेंट स्टॉक पिकिंग सक्सेस की मिथ को डीबंक किया है। उन्होंने डिस्कस किया है कि एक्टिव मैनेजर्स के लिए मार्केट बेंचमार्क्स को कंसिस्टेंटली आउटपरफॉर्म करना फीस और एक्सपेंसेस को कंसिडर करने के बाद कितना चैलेंजिंग है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट और मार्केट इफिशियंसी का असर। मालकिल ने इन्वेस्टर सेंटीमेंट का मार्केट इफिशियंसी पर असर एक्सप्लोर किया है। उन्होंने इनसाइट्स प्रोवाइड किए हैं कि कलेक्टिव इमोशंस कभी कभी मार्केट अनोमालीज एंड टेम्पोरी प्राइस डिस्टॉर्शंस के तक ले जा सकते हैं, लेकिन अंत में मार्केट फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करने में खुद को करेक्ट करता है। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी की रेजिलियंस को हाईलाइट करते हुए मालकिल ने डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच की वैल्यू को रीइन्फोर्स किया है। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि ये स्ट्रेटजी, जो कभी कभी बोरिंग कंसिडर होती है, हिस्टोरिकली सॉलिड रिटर्न्स जनरेट की है बिना इमोशनल मार्केट स्विंग्स के। फाइनेंशियल इनोवेशंस और उनके असर। फाइनेंशियल इनोवेशंस को डिस्कस करते हुए मालकिल ने रोबो एडवाइजर्स, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और थीमेटिक इन्वेस्टिंग के इम्पैक्ट पर बात की है। उन्होंने एक्सामिन किया है कि ये इनोवेशंस इन्वेस्टर बिहेवियर, मार्केट डायनामिक्स और डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की एक्सेसिबिलिटी पर कैसे असर डालते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस। मालकिल ने ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप पर रिफ्लेक्शन किया है और उसके इम्प्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टर्स पर डिस्कस किया है। उन्होंने डिस्कस किया है कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ट्रेड रिलेशंस और इकोनॉमिक शिफ्ट्स डिफरेंट रीजन्स में कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और एसेट एलोकेशन डिसीजंस पर असर डाल सकते हैं। मालकिल के इनसाइट्स की कंटिन्यूड रेलिवेंस को रिइटरेट करते हुए A Random Walk Down Wall Street इन्वेस्टर्स के लिए एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट बनी हुई है मार्केट नॉइज और स्पेकुलेशन के बीच। साउंड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस के लिए प्रेराना। एंड में ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स के लिए एक विजडम का ट्रेजर है। इसकी टाइमलेस प्रिंसिपल्स अंडरलाइन करती हैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस, मार्केट फ्लक्चुएशंस के बीच रैशनल रहना और फाइनेंस की दुनिया में कंटिन्यूसली एजुकेट रहना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग मिन बिहेवियरल पिटफॉल्स। मालकिल और गहराई से एक्सप्लोर करते हैं बिहेवियरल पिटफॉल्स, जहां उन्होंने बताया कि रीसेंसी बायस या डिस्पोजिशन इफेक्ट जैसे बायसेस रैशनल डिसीजन मेकिंग को कैसे रोकते हैं। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि ये बायसेस को पहचानने और कम करने का इम्पॉर्टेंस है, ताकि इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर सकें।
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और इन्वेस्टर पेशेंस। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करते हुए मल्कियल इन्वेस्टर पेशेंस की इंपॉर्टेंस को एडवोकेट करते हैं फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि एक वेल थॉट आउट इन्वेस्टमेंट प्लान में कमिटेड रहना कितना भी मार्केट वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी हो। फाइनेंशियल मीडिया और नॉइज का आसार। फाइनेंशियल मीडिया का इम्पैक्ट डिस्कस करते हुए मल्कियल इन्वेस्टर्स पर जो डेली नॉइज आता है उस पर बात करते हैं। उन्होंने एडवाइस दी है कि सेंसेशनलिज्म और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन को फिल्टर करना चाहिए और फोकस करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडैप्टेबिलिटी। मल्कियल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडैप्टेबिलिटी के इंटरसेक्शन पर विस्तार से जाते हैं। उन्होंने एम्फसाइज किया है कि इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रेटजीज इवॉल्व करनी चाहिए, बिहेवियरल फाइनेंस के इनसाइट्स को इनकॉर्पोरेट करके डायनेमिक मार्केट कंडीशंस को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए। फाइनेंस में फीमेल इन्वेस्टर्स की एम्पावरमेंट। फीमेल इन्वेस्टर्स की ग्रोइंग प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए मल्कियल वुमेन को फाइनेंस में एम्पावर करने पर डिस्कस करते हैं। उन्होंने हाईलाइट किया है फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूसिविटी का इम्पोर्टेंस, एनकरेजिंग वुमेन को एक्टिव पार्टिसिपेशन करना इन्वेस्टिंग और वेल्थ मैनेजमेंट में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयर होल्डर एडवोकेसी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर टच करते हुए मल्कियल शेयर होल्डर एडवोकेसी और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं। उन्होंने एम्फसाइज किया है इन्वेस्टर्स के राइट्स को ट्रांसपेरेंसी और एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए कंपनीज में एडवोकेट करने में। फाइनेंस में एजुकेशन और कंटिन्यूस लर्निंग। फाइनेंस में एजुकेशन का सिग्निफिकेंस अंडरलाइन करते हुए मल्कियल कंटिन्यूस लर्निंग को एनकरेज करते हैं। उन्होंने स्ट्रेस किया है मार्केट डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर अपडेटेड रहने का वैल्यू इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए। बुक की एंड्यूरिंग लेगेसी और अडैप्टेबिलिटी। बुक की लेगेसी को रिफ्लेक्ट करते हुए मल्कियल का काम इवॉल्व करता रहता है और चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप्स में अडैप्ट होता है। इसकी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स रेलेवेंट रहती हैं गाइडिंग इन्वेस्टर्स का। बुक की एंड्यूरिंग लेगेसी और अडैप्टेबिलिटी। बुक की लेगेसी को रिफ्लेक्ट करते हुए मल्कियल का काम इवॉल्व करता रहता है और चेंजिंग मार्केट लैंडस्केप्स में अडैप्ट होता है। इसकी फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स रेलेवेंट रहती हैं गाइडिंग इन्वेस्टर्स को वेरियस मार्केट साइकिल्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए कॉल टू एक्शन एंट में अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। इन्वेस्टर्स के लिए एक एसेंशियल गाइड है जो इन्वेस्टिंग के कम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में मदद करता है। इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच को एनकरेज किया गया है, व्यूअर्स को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित किया गया है। महिला निवेशकों के वित्तीय आत्मविश्वास का विकास। महिला निवेशकों की सशक्तिकरण को बढ़ाते हुए मल्कियल महिलाओं के बीच वित्तीय आत्मविश्वास को बढ़ाने को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने जोर दिया है वित्तीय अवधारणाओं को समझने, जल्दी निवेश करने और सक्रिय रूप से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेना कितना महत्वपूर्ण है। विविध जीवन शैलियों के लिए निवेश रणनीतियाँ। विविध जीवन शैलियों को ध्यान में रखते हुए मल्कियल अलग अलग जीवन चरणों के लिए निवेश रणनीतियों की जांच करते हैं। युवा पेशेवरों से लेकर सेवानिवृत्ति लेने वालों तक उन्होंने व्यक्तिगत लक्ष्यों, जोखिम सहिष्णुता और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप सकारात्मक दृष्टिकोणों को हाईलाइट किया है। नियामक परिवर्तन और नीति परिवर्तनों का असर। नियामक परिवर्तनों पर चर्चा करते हुए मल्कियल ने नीति परिवर्तनों के प्रभावों को वित्तीय बाजारों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने जांचा है कि विनियमन, कर नीतियां या सरकारी हस्तक्षेप के बदलाव किस तरह निवेश भूमिकाओं और व्यक्तिगत पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकते हैं। तकनीकी व्याप्ति और निवेश अवसर। तकनीकी व्याप्ति को विस्तार से समझाते हुए मल्कियल ने उभरते निवेश अवसरों की जांच की है। उन्होंने चर्चा की है कि ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचारी ऊर्जा जैसी तकनीकियों ने संभावित वृद्धि क्षेत्रों को कैसे प्रस्तुत किया है चतुर निवेशकों के लिए। निवेश शिक्षा के विकास। निवेश शिक्षा और पहुंच के विकास पर मल्कियल ने ध्यान दिया है। उन्होंने माना किया है कि वित्तीय शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाना कितना महत्वपूर्ण है और इसे विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले व्यक्तियों के लिए पहुंचनीय और समावेशी बनाने की जरूरत है। मेंटरशिप और समर्थन नेटवर्क की भूमिका। मेंटरशिप के महत्व को स्वीकार करते हुए मल्कियल ने अनुभवी निवेशकों या वित्तीय सलाहकारों से मार्गदर्शन लेने के लाभों को हाईलाइट किया है। उन्होंने जोर दिया है समर्थन नेटवर्क्स के मूल्य को सूचित निवेशकों की समुदाय को बढ़ावा देने में। बुक की ग्लोबल प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय संबंधितता। इसके ग्लोबल प्रभाव को दर्शाते हुए
मल्कियल की पुस्तक सीमाओं को पार करती है, जो विविध संस्कृतियों और बाजारों में संवादित होते हैं। इसके सिद्धांतों में एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करते हैं जो विश्वव्यापी निवेशकों के लिए लागू होता है। नैतिक निवेश और सामाजिक जिम्मेदारी को प्रमोट करना। नैतिक निवेश को प्रोत्साहित करते हुए मल्कियल ने सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश SRI में बढ़ती रुचि पर चर्चा की है। उन्होंने निवेशकों को प्रोत्साहित किया है पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन ESG कारकों को अपने निवेश निर्णयों में ध्यान में लेने के लिए। वित्तीय स्वतंत्रता और लक्ष्य सेट करने के लिए प्रोत्साहन। अंत में ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट वित्तीय स्वतंत्रता और लक्ष्य सेट करने का समर्थन करती है। यह दर्शकों को स्पष्ट वित्तीय लक्ष्यों को सेट करने, अनुशासित निवेश आदतें विकसित करने और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है।